Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, ala Muhammad. Assalamu alaikum dear students. Welcome to week number 10. In this lecture we will be talking about locking mechanism. What is locking and why we use it in transaction management system. Let us talk about overview of the today's video. First we will Start with a recap of the previous lecture where we have finished, and afterwards we will move towards the protocol what are protocols and then locking protocol why we call it locking protocol, not a procedure. Then we have different types of lock used in uh, locking protocols, and then we will see how locking helps us solving. The concurrency problems we have faced in the previous lectures, and then we will move towards the problem in locking. What are the problems we faced while uh, using locking protocols? And then we will discuss about two phase locking why we have to move towards the two phase locking, and then we will move towards the problem in two phase locking. This is the overview of today's. लेक्चर स्टार्टिंग विद सम ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर हे वी अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ये कि ट्रांजेक्शन जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने के हमारे पास कुछ खास तरीके होते हैं पहला तरीका हमारे पास सीरियल तरीका था सीरियल स्केजूअल भी जिसे कहा जाता है सीरियल केजूअल का मतलब यह था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाए वन बाय वन एग्जीक्यूट करने से मुराद यहाँ पे यह है कि पहले ट्रांजेक्शन वन एग्जीक्यूट की जाए जब तक उसके सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक ट्रांजेक्शन टू का कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट ना किया जाए ट्रांजेक्शन टू वेट करेगी ट्रांजेक्शन वन के खत्म होने का इसी तरह अगर हमारे पास पांच ट्रांजेक्शन हैं तो जब तक पहली चार ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हो जाएंगी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी ट्रांजेक्शन नंबर फाइव जो है वो स्टार्ट नहीं होगी देन वी हैव नॉन सीरियल स्केजल्स जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरी का इंतजार नहीं करती जैसी ट्रांजेक्शन सिस्टम में अपेयर होती है तो फॉरन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है अब सीरियल स्केजूल का फायदा ये था कि वो बेसिकली उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा एक्यूरेट कंसिडर किया जाएगा दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ सीरियल स्कैजल्स उसका फ़ायदा था ऑन द अदर हैंड उसका नुकसान क्या था कि उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि हम उसको पॉसिबली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन सीरियल की बात करें तो उसमें जो हमारे पास फायदा था वो ये था कि उसमें किसी भी तरह का हमें वेट नहीं करना पड़ता जैसे ही ट्रांजेक्शन अपीयर होगी फोरन से ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी बट द प्रॉब्लम वॉज के नॉन सीरियल कैज में पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए इनकरेक्ट हो जाए डेटा बेस इनकंसिस्टेंट हो जाए हेयर कम्स द क्वेश्चन वट शुड वन डू आया कि हम सीरियल को चूज करें और उसमें वेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है या हम नॉन सीरियल को चूज करें जिसमें जो है वो ट्रांजैक्शन के इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं इस सवाल के जवाब के लिए हमें जो आंसर आता है दैट इज लॉकिंग प्रोटोकॉल पर लॉकिंग प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली प्रोटोकॉल होता क्या है प्रोटोकॉल इज जस्ट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू परफॉर्म एनी टास्क कि दुनिया में कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स डिफाइंड होते हैं जो प्रोसीजर डिफाइंड होता है उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है प्रोटोकॉल कहा जाता है इन नॉर्मल सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड टू परफॉर्म एनी टास्क किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो रूल्स डिफाइंड होते हैं उन रूल्स के मजमू को बेसिकली क्या कहा जाता है प्रोटोकॉल कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ग्रीट ईच अदर कि जब दो लोग मिलते हैं आपस में लट से दिस इज अली एंड दिस इज उस्मान अब जब वो आपस में मिलेंगे तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारे दीन ने हमें सिखाया है वो बेसिकली क्या है कि पहले एक अस्सलाम वालेकुम कहेगा और दूसरा उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम दैट इज़ अ जनरल एग्जांपल कि दो लोग जब मिलते हैं तो उनका ग्रीट करने का जो प्रोसीजर है जो प्रोटोकॉल है जो डिफाइन किया गया है वो बेसिकली बड़ा सिंपल है इसी तरह अगर हम थोड़ी टेक्निकल बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल तो टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है दैट नेटवर्क डिवाइस ओवर द इंटरनेट दो डिवाइसिस जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल डिफाइंड है जो स्टेप्स डिफाइंड हैं उन स्टेप्स को बेसिकली क्या नाम दिया गया टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल क्योंकि ये आप लोग जो है वो नेटवर्क में पढ़ते आए होंगे इट इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल

डेटा की कंकरंट एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कंकरेंट एक्सेस से मुराद यहां पे यह है कि एक डेटा आइटम को मल्टीपल लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम अगर एक्सेस करती हैं, तो हमें उस पर क्या ला अख्तियार करना चाहिए तो लॉकिंग ये मेक श्योर करता है कि मल्टीपल लोग मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम कभी भी डेटा को एक्सेस ना करें मतलब व्हेन वन ट्रांजेक्शन इज एक्सेसिंग डेटाबेस जब एक ट्रांजेक्शन डेटाबेस को एक्सेस कर रही होती है अ लॉक में डिनाई दिस इज इंपोर्टेंट थिंग अलॉक में डिनाई एक्सेस टू द अदर ट्रांजेक्शन टू प्रिवेंट इन करेक्ट रिजल्ट तो जब एक ट्रांजेक्शन लॉक को एक्सेस कर रही होगी जब एक ट्रांजेक्शन डेटा को एक्सेस कर चुकी होगी तो एक लॉक जो है वो मेक शोर sure करेगा कि दूसरी ट्रांजेक्शन जो है उस डेटा को एक्सेस ना करें ताकि किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा में एक आइटम है विच इज नोन एज बैलेंस एक्स और ट्रांजेक्शन टी ए क्या करती है उस बैलेंस एक्स को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करती है This is या नहीं अब अगरबल होगा तो टी ए को बैलेंस एक्स क्या हो जाएगा इन द मीन वाइल तो यहाँ पे एक फ्लैग बन जाएगा जिसमें लिखा होगा कि बैलेंस एक्स बीन एलोकेटेड टू तो ट्रांजेक्शन टी ए अब अगर एक दूसरी ट्रांजेक्शन टी बी बी रिक्वेस्ट करती है फॉर बैलेंस एक्स व्हिच इज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू ट्रांजैक्शन टीए इन दिस सिनेरियो सिस्टम विल डिनाय ट्रांजैक्शन टीबी द एक्सेस ऑफ बैलेंस एक्स यहाँ पे अब ये वाली ट्रांजैक्शन बैलेंस एक्स को एक्सेस नहीं कर सकती द रीजन इज कि बैलेंस एक्स जो है वो ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन को एलोकेट हो चुका हुआ है तो इसलिए ट्रांजेक्शन भी जो है वो एक्चुअल में अब क्या करेगी वेट करेगी इसी तरह का वेट हमारे पास लिखा जाता है आई एम सॉरी सो वी हैव कंक्लूडेड कि जब एक ट्रांजेक्शन डेटा एलोकेट करवा लेती है तो दूसरी ट्रांजेक्शन उसका वेट करेगी वो उस डेटा को एट द सेम टाइम एक्सेस नहीं कर सकती